तहसील दिवस के मौके पर डोईवाला में आम जनमानस की समस्याओं को सुना गया, जिसमें अधिकांश समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया गया। इस दौरान डोईवाला तहसीलदार सोहन सिंह रांगड़ ने बताया कि तहसील दिवस के मौके पर सभी क्षेत्रों की समस्याओं को सुना गया है, जिसमें अधिकांश समस्याएं सिंचाई से संबंधित आई हैं, जिसके लिए सिंचाई विभाग को निर्देशित किया गया है और उन समस्याओं का शीघ्र निस्तारण भी किया जाएगा। वहीं किसान नेता दर्पान बोरा ने बताया कि डोईवाला की अल्लाह रखी नहर का मुख्य बांध टूटने की वजह से किसानों के खेतों में पानी नहीं पहुंच पा रहा है। इसी समस्या को लेकर कई किसान तहसील दिवस में पहुंचे, जहां तहसील प्रशासन द्वारा उन्हें शीघ्र इस समस्या का निराकरण करने का आश्वासन दिया गया है। डोईवाला से जावेद हुसैन की रिपोर्ट। मैं तहसील दिवस के उपलक्ष्य में कोई भी समस्या क्षेत्र की हो तो उसको लेकर आज हम आए। हमारी दो समस्या थी, एक तो दूधली क्षेत्र में सूसवा नदी द्वारा नागल बुलंदा वाला के पास बहुत भारी नुकसान हुआ है, उससे चार और होने की संभावना अगर ज़्यादा वर्षा आई तो उसमें हमने आश्वासन दिया है कि उसमें तुरंत काम हमने करा दिया गया है, लगा दिया गया है। SDM महोदय से भी भेंट करी और तहसीलदार जी से भी भेंट करी और एक पत्र हमने दिया है, अध्यक्ष जी साथ में रहे। और दूसरी एक हम जो हमने मारखम ग्रांट में जो अल्लाह रखी नहर है कई दिनों से बांध टूटा हुआ उसका उसके प्रश्न पानी बदवाने के लिए तो सिंचाई विभाग को उन्होंने निर्देशित किया है, उन्होंने आदेश दिया है कि तुरंत ये बांध बनाया जाए जिससे किसानों को समय पर पानी मिले, धान की सिंचाई हो सके और जो इस टाइम निसर रहा है धान उसकी सिंचाई हो सके और धान आगे उसके बाद जो भी मक्का चरा बोना हो या घास बोना हो उसकी तैयारी ले उन्होंने उसको। सभी जानते हैं कि मंगलवार होता है, उसमें तहसील दिवस होता है और आज तहसील दिवस है और अभी शुरू ही हो रहा है, एक लगभग हुआ है। तो हमारे पास लगभग 5 शिकायतें आ गई है, वो कुछ राजस्व विभाग से संबंधित है और कुछ सिंचाई विभाग और वन विभाग से संबंधित है। अभी पूरे दिन भर तहसील दिवस चलेगा तो विभिन्न तरह की शिकायतें आएंगी, समाधान होने लायक होगी, उसको मौके पे समाधान कर देंगे और जो विभागों से थोड़ी सी टाइम लेने वाली या आख्या लेने से संबंधित होगी हम उसकी आख्या भी मंगाई लेंगे और ये कार्रवाई की जाएगी।